लोग कैसा फील करते हैं और किसको कैसा डील करना है ये सब पता है। मैं जितना मर्जी फेमस हो जाऊं पर पता नहीं क्यों हेटर्स मुझसे अभी भी खफा हैं। बाबू शोना वाली हरकतें नहीं करते, बस पबजी खेलते हैं और टेंशन ले हमारे दुश्मन, हम तो बस पुचिंकी में बंदे मारते हैं। बस मैं किसी को नूबड़ा नहीं बोलता, इसीलिए तो ऊपर आ गया और मुझे हेट करते करते हेटर्स को पता नहीं चला कि कब उनका बाप आ गया। मैं तो बस पबजी खेलता हूँ, लोग बिग फैन बोल देते हैं और जिनको मैंने ही खेलना सिखाया वो अपने आप को प्रो प्लेयर कहते हैं। अकेला पबजी खेलता हूँ, फालतू लोगों की लॉबी में नहीं खड़ा होता और कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बाबू शोना वाली हरकतें करूं, अरे ऐसी भी कोई बात नहीं, लड़कियों को मेरे सपने ना आए ऐसी कोई रात नहीं। और जो मुझे नूबड़ा बोलते हैं बोलते रहें, अब मैं उनको एक्सप्लेन करूं, अरे उनकी इतनी भी औकात नहीं। बेटा मैं अपने काम से काम रखता हूं, हेटर्स की बिना वजह जलती है और लॉबी में किसी और की, लेकिन बातें आज भी वो मेरी करती है। जिसको पबजी में अपना पार्टनर बना लो बाद में वही आपको किसी और के साथ खड़ा नजर आता है। और मैं कहाँ तक अप्रोच रखता हूँ बस किसी को नहीं बताता, क्योंकि कुछ लोगों को मेरा नाम सुनकर ही बुखार चढ़ जाता है। मेरी टक्कर का कोई नहीं है, इस बात का मत कर अफसोस। जिस पबजी में तू अब आया इस पबजी का मैं रह चुका हूँ कोच। अरे सर में दर्द हो जाएगा बेटा, मेरे बारे में इतना मत सोच। कौन कहां पर हैक यूज करता है इस बात का भी गम। अरे मैं चुप रहता हूं तो समझना मत कम, और मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा मेरी जान। मुझे रोक कर दिखाओ अगर तुझ में है इतना दम। जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं वो भी मुझे हेटर्स का बाप कहते हैं, मुंह पे बुरा नहीं बोल सकते बस अंदर ही अंदर से जलते हैं। और जिसको तू आजकल पॉपुलैरिटी मार रहा है ना छोटे, हम उन लड़कियों की रिसेंट सर्च लिस्ट में रहते हैं। अरे मैं अपनी गेम अपने हिसाब से खेल लूंगा और कोई नूबड़ा थोड़ी हूँ जो तुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। और अगर मिलना है ना तो अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं ऐसे थोड़ी मिलूंगा। जीतने का शौक है पर मुझे हारने भी बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोगों ने हराने की कोशिश की पर मैंने खुद को बनाया है। जिसने चैलेंज करना है ना आजा कर ले, क्योंकि अब जालिम खुद मैदान में आया है।